मेडिकली रिकमेंडेड आपके शरीर में कितनी मसल होनी चाहिए डॉक्टर साहब बता दो। देखो आपकी उम्र पे डिपेंड करता है, 18 से 30 35 साल की उम्र के बीच में आपके शरीर में 40-45% यानी आपका वजन जितना है उसमें से 45% वजन आपका मसल का होना चाहिए, और उसके बाद 55 साल की उम्र तक वो हल्का सा कम हो सकता है 5-10%, फिर और उसके बाद और 5-10% कम होता रहेगा कुछ कुछ सालों में। सो फीमेल्स का इससे 10 नंबर कम, यानी कि 35 साल की उम्र से पहले पहले फीमेल्स का जो परसेंटेज है 30% के आसपास होना चाहिए, मेल्स का परसेंटेज 40% के ऊपर होना चाहिए, 40-45। तो आपका अगर 50% है 60% है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी उसमें। परसेंटेज ऑफ योर वेट, व्हाट डज दैट मीन, आपका बाकी सारा यानी कि आपका फैट परसेंटेज, आपके हड्डियों का परसेंटेज, वो मैटर, स्केलेटल मसल मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब एमलोडिपिन टेलमिसार्टन फलाना ढमकाना रोसुवास्टैटिन एट्रोवास्टैटिन में दवाई ले रहा हूं, इसके लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट होंगे क्या? भी हाँ बिल्कुल होंगे, लॉन्ग टर्म में हर दवा के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए तो आपको डॉक्टर से बार बार मिलना होता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। और सबको नहीं होते साइड इफेक्ट, हर साइड इफेक्ट सबको नहीं होते, किसी किसी में कुछ कुछ होते, किसी में कुछ नहीं होते, किसी में ज्यादा किसी में कम। ये काम आपके डॉक्टर का है कि देखते रहे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे। ये दवा है, कोई वो औजार नहीं है कि लेके चल दिया आप इसी से काम चला लेंगे जिंदगी भर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो आपको रीचेक कराना होता है, बीपी रेगुलर चेक करना होता है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना होता है, जिस भी चीज की दवा आपको दी गई है उसको रीचेक करिए कुछ दिनों हफ्तों महीनों बाद, और फिर अपने डॉक्टर से फिर बात करिए। आजकल बच्चे बाथरूम्स में बेहोश हो रहे हैं, कारण गैस गीजर्स। गैस गीजर्स में से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो लीक होती है, जिसकी वजह से बच्चे हो जाते हैं बेहोश। आपको क्या करना है, अगर आपके घरों में गैस गीजर्स हैं, आपको उसकी पाइपलाइन चेक करानी है कोई लीकेज तो नहीं है, और बाथरूम में वेंटिलेशन का अगर सोर्स है तो उसे ओपन रखना है। छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा देर बाथरूम में अकेला ना रहने दें, डोर ओपन रहने दें। बड़े बच्चे हैं तो भी अगर नॉर्मल से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, नॉक करके जरूर पता कीजिए कि वो आवाज आपको दे रहे हैं या नहीं। डॉक्टर साहब अगर हमारे डॉक्टर ने हमें 4 गोली दे दी कि खाओ सुबह शाम खाओ, तो क्या हम 4 गोली एक साथ खाएं, या हम एक एक दो दो घंटे के गैप में खाएं, पूरा दिन गोलियां खाते जाएं और कोई काम धंधा नहीं क्या हमें? देखो ऐसा है, ये आपके डॉक्टर का काम है कि वो समझे कि अगर वो 1-2-3-4 गोली दे रहा है, इवन 2 गोली दे रहा है जो सुबह शाम लिख रहा है, तो वो 2 गोली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो नहीं करती। ये नॉलेज रखना और इस बारे में आपको बताना ये आपके डॉक्टर का काम है। अगर आपके डॉक्टर आपसे ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं कहते कि ये गोली के दूसरी गोली दो अगले टाइम खाना, या ये 4 बजे खाना, ये 1 बजे खाना, तो आप उसे खा सकते हो एक साथ। अगर आप 1 घंटे का गैप रख के खाते हो तो वो एक्चुअली पेट में मिल ही जाती है। हाँ ये जरूर है कि कोई एक गोली हो सकती है जो कॉन्टैक्ट करने पर ही पेट में गैस करें, ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सी पेट में गैस कर रही है अलग अलग करके खा सकते हो, बाकी अच्छे डॉक्टर से दिखाया करो। हाँ जी बहुत इजी है, पेपर थिन स्किन पाना। आपको सिर्फ एक ऐसे टापू पे, ऐसी जगह जाना है जहां पे खाना पीना कुछ नहीं मिलता, ठीक है, केवल नारियल पानी मिलता है, और उस टापू पे 1-2 महीना रह के आ जाना है। आपकी ऐसी पेपर थिन स्किन है, कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, सब फैट खत्म हो जाएगा, सब मसल मास वो भी कम हो जाएगा, तो सब पेपर थिन स्किन हो जाएगी, ऐसे ऐसे पकड़ करके घूमोगे बढ़िया से। सो नेचुरली पेपर थिन स्किन पॉसिबल है इफ यू डू प्रॉपर खतरनाक, अब यही सेफली करनी है तो फिर आपको प्रॉपर धीरे धीरे कैलोरी डेफिसिट बढ़ा के उस एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा जहां पर एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल हो जाता है। पेपर थिन स्किन तब आती है जब 10% के नीचे बॉडी फैट आता है, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल टू लिव लाइक दैट। इंसान खुद से नहीं जीना चाहता, वो जबरदस्ती जीते हैं लोग, जैसे ये टापू में छोड़ दे कुछ खाने को नहीं है, जबरदस्ती कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैसे लोग जबरदस्ती गोलियां खाते हैं उल्टे सीधे अपने ऑर्गन्स डैमेज करके वहां पहुंचते हैं।